हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम चैप्टर पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की भूगोल का एक सबसे प्रमुख चैप्टर है, जिससे कि आपके आने वाले सभी चैप्टर्स रिलेटेड होंगे, जैसे पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि। जो भी हम पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक्स का जरूर कुछ न कुछ रोल होगा, इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत विधिवत और डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे डेवलप हुआ और कैसे इस चीज़ का विचार आया। तो सबसे पहले एक हमारे शोधकर्ता थे एफ बी टेलर। एफ बी टेलर महोदय ने अपने परीक्षण में पाया और आगे बताया कि जो ये पृथ्वी है, इस पे जो महाद्वीप हैं, देखिए पृथ्वी पे दो प्रकार के हम चीज़ें देखते हैं जो ऊपर से क्रस्ट पे, एक तो हम देखते हैं महाद्वीप और दूसरा हम देखते हैं ओशियंस, महासागर। तो एफ बी टेलर ने सबसे पहले ये बताया कि जो महाद्वीप होते हैं वो एक जगह पर स्थिर नहीं हैं और वो चलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत में दो खंडों में पूरा महाद्वीप विस्थापित था, एक को कहते थे लारेशिया, जो हमारी पृथ्वी थी, उसके उत्तर की तरफ जो महाद्वीप खंड था उसको लारेशिया कहा जाता था, और जो दक्षिण की तरफ महाखंड था उसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड। ये उन्होंने दो शब्द दिए और बताया कि ये महाद्वीप जो हैं एक जगह स्थिर नहीं हैं, ये चलते हैं, ये ड्रिफ्ट करते हैं, तैरते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो बल बताया वो कहा कि चंद्रमा का आकर्षण बल जो है, चंद्रमा का जो ज्वारी बल है वो उत्तरदायी है। एफ बी टेलर ने सबसे पहले ये परिकल्पना दी कि जो महाद्वीप हैं वो एक जगह स्थिर नहीं हैं और वो चल रहे हैं, और उसके लिए चलने के लिए जो शक्ति है, जो बल है, वो कहाँ से मिलता है, वो चंद्रमा के ज्वारी बल से मिलता है। और उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी का जो स्थलखंड आज हम देखते हैं जितने भागों में बटा हुआ है महाद्वीपों में, ऐसा नहीं था। शुरुआत में वो दो भागों में था, जो उत्तर पोल की तरफ था उसे लारेशिया कहा जाता था और जो दक्षिणी पोल की तरफ था उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था, और बाद में ये विभक्त हो गए और आज के जो कई महाद्वीप हम देखते हैं उनका निर्माण हुआ। तो एफ बी टेलर का ये विचार था, और इसके लिए जो उन्होंने चंद्रमा का ज्वारी बल बताया ये उनकी आलोचना का कारण बना। आज जो वर्तमान में प्लेट टेक्टोनिक्स हम पढ़ेंगे उससे ये भी सिद्ध हो गया कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, महाद्वीप चलते हैं। तो ये बात तो उनकी सही थी कि महाद्वीप चलते हैं, लेकिन उन्होंने जो चलने का तरीका बताया वो उनका सही नहीं था। ज्वारी बल से इतना बल नहीं उत्पन्न हो सकता है कि महाद्वीप विस्थापित हो सके। तो इस प्रकार से एफ बी टेलर का नाम पूछा जाता है कि किसने ये सर्वप्रथम विचार दिया था कि महाद्वीप चलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले एफ बी टेलर महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह का सिद्धांत दिया था, और उसके लिए उन्होंने कौन सा बल उत्तरदायी बताया था कि चंद्रमा का ज्वारी बल। तो उनकी बात तो सही थी, लेकिन इनका बल, जो ज्वारी बल है, वो सही नहीं था। दूसरे हमारे भूगोल वेत्ता थे वेगनर महोदय जो थे, उन्होंने भी महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत दिया। देखिए, इनके सबके हम सिद्धांतों को किसी क्लास में डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ने से पहले हम इसके इतिहास को थोड़ा सा जानना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वेगनर का जो था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है ये बहुत ही पूछा जाता है। और इसकी खास बात क्या थी, इन्होंने भी बताया कि जो महाद्वीप हैं वो अपनी जगह स्थिर नहीं है, और इन्होंने टेलर से थोड़ा सा डिफरेंट विचार प्रस्तुत किया। हालांकि इन्होंने जो इसके लिए बल है वो चंद्रमा का ज्वारी बल और पृथ्वी का घूर्णन, दोनों को इन्होंने बताया, प्लस इन्होंने पृथ्वी का घूर्णन भी इसमें शामिल किया कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से और चंद्रमा के ज्वारी बल की वजह से, इन दोनों के संयुक्त बल की वजह से महाद्वीप क्या होते हैं, वो पश्चिम की तरफ विस्थापित होते हैं। और इनका जो मुख्य कहना था वो था कि सबसे पहले जो महाद्वीप था वो एक जगह पर था और उसे कहा जाता था पैंजिया। इन्होंने उसको क्या नाम दिया, पैंजिया।
क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पैंजिया का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, वो थे वेगनर महोदय। उन्होंने पैंजिया बताया कि जो पृथ्वी पर ये समस्त महाद्वीप या स्थलखंड है वो सब एक जगह था और उसको कहा जाता था पैंजिया, और जितना सागर था, महासागर था, वो सब एक था और उसे कहा जाता था पैंथालासा। पैंथालासा क्या कहते थे? पैंथालासा। जो महासागर था उसे पैंथालासा कहते थे और जो स्थलखंड था उसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। बाकी इन्होंने भी दो भाग इसके बताए कि जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ है उसे गोंडवाना लैंड उन्होंने बताया, गोंडवाना लैंड। ये शब्द सब पूछे गए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ। और जो उत्तर की तरफ का भाग था उसे कहते थे लारेशिया, लारेशिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि भारत किस स्थलखंड का भाग था? तो इस समय भारत जो है वो उत्तर की तरफ आ गया है, उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन वो गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से भारत जो है यहाँ गोंडवाना लैंड से टूट करके और लारेशिया में जाकर जुड़ गया है। तो गोंडवाना लैंड में ज़्यादातर भाग हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया भी उसी का पार्ट था, ये सब गोंडवाना लैंड के हैं। और जो लारेशिया के इसमें हम देखते हैं तो उसमें उत्तरी अमेरिका, पूरा एशिया ऊपर का, और ये सब जो हैं कनाडा वगैरह, ये सब लारेशिया के, और पूरा यूरोप ये लारेशिया के भाग हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक पैंजिया था और जो सागर था उसको पैंथालासा इन्होंने नाम दिया। उसके बाद ज्वरीबल, चंद्रमा का ज्वरीबल और पृथ्वी का घूर्णन, उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो जब कोई चीज़ पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है तो उसमें उन्होंने कहा कि जो इसके ऊपर स्थलखंड हैं, जो महाद्वीप हैं, वो उसके साथ चल नहीं पाते हैं, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं और पीछे की तरफ खिसकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ज्वरीबल और घूर्णन दोनों को कारण बताया। बाकी इन्होंने कहा कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो है भूमध्य रेखा की तरफ भी महाद्वीपों का विस्थापन होता रहता है। बाद में ये स्थलखंड टूट गया और इसके कई टुकड़े हुए जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हुए, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, अन्य तमाम संरचनाओं का निर्माण हुआ, ये इन्होंने वेगनर महोदय ने बताया। तो एक चीज़ इनकी भी बिल्कुल सही थी कि महाद्वीप जो हैं वो स्थिर नहीं हैं, वो प्रवाहित होते हैं, जो आज आधुनिक भूगोल से सिद्ध भी हो चुका है। लेकिन जो बल इन्होंने बताया वो तरीका भी इनका आगे चल करके सही साबित नहीं हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि जो वर्तमान में प्लेट टेक्टोनिक्स है वो किस प्रकार से इस चीज़ को साबित करती है, और यही हमें पढ़ना है। यहाँ एफ बी टेलर और वेगनर महोदय के योगदान में हमें इनके सिद्धांतों का नाम याद रखें। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैंजिया, पैंथालासा क्या था, लारेशिया क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है। पृथ्वी पर समस्त भूखंड, जितना भी आज एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका आप देखते हैं, ये सब पहले एक जगह पर था और उसे कहा जाता था पैंजिया। जितने भी महासागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब एक जगह थे, पैंथालासा उसको कहते थे, और पैंजिया को घेरे हुए थे। बाद में महाद्वीपों का विस्थापन हो गया, यानी जो महाद्वीप थी वो टूट करके अलग अलग खंडों में विभक्त हो गए और वो अलग अलग जगहों में चले गए पश्चिम की तरफ। इन्होंने बताया कि महाद्वीप के विस्थापन जो है पश्चिम की तरफ होता है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। और लारेशिया और गोंडवाना लैंड क्या है, उन्होंने कहा जो पैंजिया है वो पहले दो भागों में टूटा और उसका जो उत्तरी टुकड़ा था, उत्तरी ध्रुव की तरफ है, उसे लारेशिया कहा गया, और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ का टुकड़ा था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। ये नाम इम्पॉर्टेंट हैं कि क्योंकि आज भी इन्हीं नामों से उन क्षेत्रों को जाना जाता है, उन भूमि को जाना जाता है। तो इतना आप इसमें याद रखें। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि प्लेट विवर्तन की क्या है और ये किस प्रकार से आया और इसने कैसे सिद्ध किया कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लें प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेट शब्द है वो विल्सन, टूजो विल्सन नाम के एक शोधकर्ता थे, भूगोलवेत्ता, उन्होंने दिया है। प्लेट को सर्वप्रथम विल्सन महोदय ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया।
और टेक्टोनिक्स यानी विवर्तन की टेक्टोनिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मॉर्गन ने। तो विल्सन और मॉर्गन दो भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स शब्द दिया और इसकी विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत की। लेकिन बात आती है कि प्लेट टेक्टोनिक्स का विचार सर्वप्रथम कहां से आया। तो हमने अभी बताया कि वेगनर महोदय, टेलर महोदय के जो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो चलते रहते हैं। तो उस चीज़ को आगे शोध करते हुए हमारे एक भूगोलवेत्ता थे हैरी हैस। वो प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। हालांकि उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तन की नाम से कोई सिद्धांत नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया सागर नितल प्रसरण। इसको हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि इसी से आगे चल करके प्लेट टेक्टोनिक्स का जन्म हुआ। इनका ये जो सिद्धांत था कि सागर नितल यानी ओशियन जो फ्लोर है, सी फ्लोर, इन्होंने नाम इसको दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कायदे से इसको समझ लीजिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है। इन्होंने कहा जो महासागर होते हैं उनकी जो तली होती है, देखिए सागर तल और सागर नितल दो चीज़ें हैं। जैसे ये कोई महासागर है तो महासागर का जो जल का ऊपर का स्तर होता है उसको कहा जाता है सागर तल या समुद्र तल, इसको बोलते हैं समुद्र तल, इंग्लिश में मीन सी लेबल, इसको कहा जाता है समुद्र तल। और जो इसकी तली है यानी इसका जो धरातल होता है समुद्र का नीचे का, उसे कहते हैं सागर का नितल, महासागर नितल या सी फ्लोर। सागर का नीचे का जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसे सागर नितल कहते हैं। तो हैरी हैस महोदय ने ये बताया, ये उन्होंने अपने परीक्षण में देखा कि जो सागर का नितल है, जो तली है, उसका विस्तार हो रहा है। उसका देखा उन्होंने विस्तार हो रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का सागर का नितल है तो वो प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ फैलता जा रहा है, जिससे सागर जो हैं वो बड़े हो रहे हैं और इसी वजह से जो है महाद्वीप इधर उधर खिसक रहे हैं। जैसे कि ये सागर की तली है, यहाँ पे कोई महाद्वीप है, यहाँ महाद्वीप है, ये महासागर है, तो जब ये इधर की तरफ और इधर की तरफ फैलेगा तो ये दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने महाद्वीप के विस्थापन से रिलेटेड इस चीज़ को नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने जो सागर नितल प्रसरण समझाया, उन्होंने कहा कि सागरों का जो नितल है यानी सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, वो बढ़ रहा है, और यहीं से जन्म लेती है प्लेट टेक्टोनिक्स। और आगे चल करके विल्सन और मॉर्गन महोदय ने इसको विस्तृत रूप प्रदान किया और पूरा अध्याय ही चेंज कर दिया और प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी सामने आई, जिसमें से सारे जो पुराने डाउट्स थे कि महाद्वीप क्यों चलते हैं, उनके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, और सागर कैसे फैल रहे हैं, महाद्वीप कैसे पहले पैंजिया था और वो दूर हो गया और आगे परिणाम क्या होगा, इन सब चीज़ की व्याख्या जो है प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत अच्छी तरीके से करती है। और इसके परिणाम क्या होते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती हैं, नए द्वीप कैसे बनते हैं, ये सब कुछ, फोल्डेड माउंटेन्स कैसे बन जाते हैं, ये सब कुछ जो है प्लेट टेक्टोनिक्स हमारा विवेचना कर देती है। तो चलिए उसके विषय में हम जानते हैं। यहाँ तक हम सारांश देख लेते हैं पहले कि सर्वप्रथम एफ बी टेलर सर्वप्रथम एफ बी टेलर ने एक विचार रखा था कि महाद्वीप जो हैं वो स्थिर नहीं है, चलते हैं। बाद में वेगनर महोदय ने, सेकंड हमारे कौन थे, वेगनर महोदय ने कहा, यही सिद्धांत को और अच्छी तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया कि महाद्वीप विस्थापित होते हैं। उन्होंने महाद्वीप विस्थापन का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। हालांकि उन्होंने जो महाद्वीपों के विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल बताया था, चंद्रमा का ज्वारी बल इत्यादि, वो उनका आगे गलत निकला। लेकिन उनका इतना कहना कि महाद्वीप विस्थापित होते हैं वो सत्य है। बाद में विल्सन, मॉर्गन और हैरी हैस, जिनके सम्मिलित सहयोग से प्लेट विवर्तन की नामक सिद्धांत उपजा, और जिसमें उन्होंने कैसे सिद्ध किया, और वर्तमान जो अन्वेषण है, जो वर्तमान
साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उनके आधार पर प्रमाणित भी होता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स ही सर्वमान्य थ्योरी है और इसके समस्त साक्ष्य पूरे पृथ्वी पर उपस्थित हैं। तो हैरी हैस ने सर्वप्रथम देखा कि सागर का जो नितल है वो फैल रहा है और उसकी वजह भी उन्होंने प्रस्तुत की। उसी वजह से आगे प्लेट टेक्टोनिक्स का जन्म होता है। तो सागर तल के प्रसरण के लिए हैरी हैस ने क्या कारण प्रस्तुत किए थे, तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से प्लेट विवर्तन की कार्य करती है। तो प्लेट विवर्तन की में हमने सबसे पहले जाना कि प्लेट, प्लेट शब्द किसने दिया था? विल्सन। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पीछे का चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको डिटेल में हम किसी क्लास में उनके अलग अलग सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम प्लेट विवर्तन की में प्लेट शब्द किसने दिया था? विल्सन महोदय ने सबसे पहले दिया था। तो आइए अब जानते हैं कि प्लेट है क्या, क्या है प्लेट। अगर हमें प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्लेट क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना? सबसे ऊपर क्या था? क्रस्ट था। क्रस्ट के नीचे क्या था? क्रस्ट के नीचे लोअर क्रस्ट है, एक अपर क्रस्ट है और एक लोअर क्रस्ट है। और उसके नीचे क्या था? एस्थीनो स्फीयर, हमने बताया था एस्थीनो स्फीयर। एस्थीनो स्फीयर के नीचे क्या है? मेंटिल। और मेंटिल के नीचे क्या है? कोर। ये मेन पार्ट है जिसमें हमने बताया था कि क्रस्ट, एस्थीनोस्फीयर, मेंटिल और कोर। इस प्रकार से अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, जिससे प्लेट टेक्टोनिक्स समझने में आपको और आसानी होगी। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपर की जो पतली लेयर है पृथ्वी के सापेक्ष, उसको पपड़ी ही कहा जाएगा, इसको कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट इसके नीचे है मेंटिल। तो क्रस्ट प्लस मेंटिल का कुछ भाग, कुछ ऊपर का मेंटिल जो है ठोस क्रस्ट से चिपटा हुआ है। देखिए हमने बताया था कि पृथ्वी के अंदर कुछ भी एक जगह से अचानक नहीं स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ से मेंटिल स्टार्ट हो गया, यहाँ से क्रस्ट खत्म हो गया। उसके ट्रांजिशन एरिया होते हैं, मिक्सअप होता है उसमें। तो क्रस्ट के नीचे का कुछ मेंटिल उससे चिपटा हुआ है और वो टोटल लगभग 100 से 200 किलोमीटर मोटा एरिया जो बनता है उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। पृथ्वी का ये ऊपरी भाग जिसमें क्रस्ट है और इसके नीचे का कुछ हिस्सा मेंटिल का मिला करके, देखिए अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और कुछ हिस्सा मेंटिल का मिला करके एक मोटा चट्टानी भाग बनता है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ये पूछा जाता है नाम, देखो लिथोस्फीयर के उससे भी तीन परतें पृथ्वी की बनती हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था क्रस्ट, मेंटिल, कोर, तीन स्वैस महोदय ने जो है उसको नाम क्या दिया था? सियाल, सीमा और निफे। क्या नाम दिया था क्रस्ट को उन्होंने? क्या नाम दिया था? सियाल। मेंटल को क्या नाम दिया था? सीमा। और कोर को क्या नाम दिया था? निफे। तो स्वैस महोदय के अनुसार तीन पृथ्वी की परतें होती हैं, सियाल, सीमा या निफे। और इसको हम बोलचाल में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रस्ट, इसे कहते हैं क्रस्ट। दूसरे को क्या कहते हैं? मेंटिल। इसमें कतई कंफ्यूज ना होइएगा, सिर्फ नाम का अंतर है। और निफे को हम क्या कहते हैं? कोर। तीन भाग इस तरह से हमने संरचना में पढ़े थे। एक शब्दावली और है जिसमें एक शब्द आता है लिथोस्फीयर। क्या शब्द आता है? लिथोस्फीयर। स्फीयर, मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर और बायरोस्फीयर। लिथोस्फीयर, तो यहां पे हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं जिसमें क्रस्ट है प्लस मेंटिल का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा जो उसके साथ ठोस अवस्था में चिपटा हुआ है, उसको मिलाकर कहा जाता है लिथोस्फीयर। ये बात समझ में आ गई। और बीच का जो मेंटल है उसे कहते हैं मीजोस्फीयर और जो कोर है उसे जो कहते हैं
बायरोस्फीयर। तो तीन पार्टीशन इस प्रकार से भी बनते हैं, सिर्फ नाम का अंतर है, थोड़ा सा उसमें फर्क है। तो आप ये भी याद रखिएगा, लिथोस्फीयर, मीजोस्फीयर और बायरोस्फीयर। तो यहाँ पे जो लिथोस्फीयर है, अब इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर, जिसको स्थलखंड भी कहा जाता है। ये क्या है? लिथोस्फीयर, या इसको आप बोलचाल में सिर्फ क्रस्ट ही कह सकते हैं, तब भी उपयुक्त ही है। तो जो लिथोस्फीयर है उसके नीचे क्या है? उसके नीचे हमने बताया कि एस्थीनोस्फीयर है। लिथोस्फीयर के नीचे क्या है? एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर क्या है आप बताइए? जो ऊपर की भूपरपट्टी है और मेंटिल, उसके बीच में कुछ एक स्थान है जो अर्ध तरल प्लास्टिक अवस्था में है। और वो क्यों प्लास्टिक अवस्था में है? उसके कई कारण हैं। एक क्या कारण है उसमें? घर्षण बल। घर्षण बल, देखो हमने बताया था कि पृथ्वी के तीनों जो लेयर्स हैं वो घूम रहे हैं। जब पृथ्वी घूम रही है तो कोर घूमती है, मेंटल घूमता है और क्रस्ट भी घूमता है, लेकिन इन तीनों की डेंसिटी में अंतर है, तीनों के भार में अंतर है। तो क्या तीनों लेयर्स साथ में बराबर घूमेंगी? आप बताएं, कोर घूम रहा है, कोर के साथ मेंटल घूम रहा है, मेंटल के साथ क्रस्ट घूम रहा है, लेकिन डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से इनकी स्पीड में अंतर हो जाता है और उस अंतर की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण, घर्षण जनरेट होता है। और उस घर्षण बल से क्या? ताप जनरेट होता है। घर्षण बल से क्या उत्पन्न होता है? हीट। और उस हीट की वजह से ये जो एस्थीनोस्फीयर है वो अर्ध ठोस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। दूसरा कारण क्या है? इसके अंदर रेडियो एक्टिव तत्व हैं। क्या हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। जब रेडियो एक्टिव तत्व होंगे तो वो भी हीट जनरेट करेंगे और वो क्या उत्पन्न करेंगे? ताप। तो ये दो ताप के कारण हो गए। और इसके अलावा जो है प्रेशर बढ़ने की वजह से भी ताप में वृद्धि हो जाती है। तो इनकी वजह से स्थीनोस्फीयर क्या है? गर्म है और तरल अवस्था में है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि सबसे ऊपर जो क्रस्ट है वो ठोस एक चट्टान के रूप में है और उसके नीचे एस्थीनोस्फीयर है। एस्थीनोस्फीयर क्या है? अर्ध तरल या अर्ध ठोस कह सकते हैं, जो घर्षण के कारण और रेडियो एक्टिव एक्शंस की वजह से क्या है? वो तरल है। और इसी एस्थीनोस्फीयर की वजह से प्लेट्स और प्लेट टेक्टोनिक्स का जन्म होता है। वो अब हम बात करते हैं कैसे। तो आप ये समझ गए कि एस्थीनोस्फीयर की प्रॉपर्टी क्या है और वो तरल क्यों है और वो गर्म क्यों है। अब देखिए, जो ऊपर का स्थलखंड है और यहाँ है एस्थीनोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर में कहीं कहीं पर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा अधिक होगी। हर जगह बराबर मात्रा में कोई तत्व नहीं होता है। और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होगा, जहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ ज़्यादा होंगे वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा उत्पन्न होगा और उसकी वजह से ये जो तरल है इसको कहा जाता है मैग्मा। इसको क्या कहते हैं? मैग्मा। जो क्रस्ट के नीचे तरल अवस्था में पृथ्वी का भाग उपस्थित है उसे मैग्मा कहा जाता है। और ये मैग्मा के चैम्बर हैं, मतलब जो है मैग्मा एक चैम्बर की भांति भरा हुआ है। इसके नीचे मैग्मा चैम्बर्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? मैग्मा चैम्बर। और इन रेडियो एक्टिव एक्शंस की वजह से ताप में बढ़ोतरी होती है और फिर ये मैग्मा चैम्बर जो होता है वो घूमने लगता है। जब कभी भी ताप में बढ़ोतरी होगी तो फिर क्या होगा? कहीं पे ताप ज़्यादा होगा, कहीं पे ताप कम होगा। जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे ताप ज़्यादा होगा, जहाँ पे रेडियो एलिमेंट्स कम होंगे वहाँ पे ताप कम होगा। तो फिर ताप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जब एक ज़्यादा गर्म क्षेत्र होगा, एक कम गर्म क्षेत्र होगा, तो मैग्मा मूव करना शुरू कर देगा और इस मूवमेंट की वजह से एक कन्वेक्शन करंट जन्म ले लेगी। इस तरह से क्या होना शुरू हो जाएगा? कन्वेक्शन करंट जन्म ले लेगी। यहाँ से मैग्मा इधर को चलेगा, फिर
इधर आएगा और इधर, फिर ऊपर जाएगा इधर, ऐसे क्या होने चलेगा, मैग्मा की संवाहनी तरंगे, संवाहनी तरंगे कन्वेक्शनल करेंट्स चलने लगेंगी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि यहाँ पे जो मैग्मा है एस्थिनोस्फीयर में जो तरल है उसको मैग्मा कहा जाता है। देखिए मैग्मा जो होता है पृथ्वी के नीचे जो तरल है मैग्मा कहा जाता है, और जब यही तरल किसी कारणवश पृथ्वी के ऊपर आ जाए जैसे ज्वालामुखी तब उसे लावा कहा जाता है। तो ये जो नीचे भरा हुआ है वो मैग्मा है, और उस मैग्मा के जो चैम्बर हैं उनमें कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न हो जाती है, यानी वो मैग्मा घूमना शुरू कर देता है, एक दिशा में चलना शुरू कर देता है इस तरह से। और वो चलना क्यों शुरू कर देता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से ताप उत्पन्न होता है, और ताप में भिन्नता की वजह से मैग्मा का मूवमेंट शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, जब मैग्मा का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और ताप तो बढ़ ही रहा है, तो ये जो भूपर्पटी है इसके ऊपर ये कहीं कहीं पे ऊपर की तरफ बल लगाएगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। देखिए जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसका आयतन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, अगर आप लोहा है उसको आप पिघला दीजिए तो पिघली अवस्था में उसका आयतन बढ़ जाएगा, यानी ठोस जब द्रव में तब्दील होता है और वो जितना द्रवित होता जाता है जितना गर्म होता जाता है उसका आयतन बढ़ता है, तो मैग्मा का भी आयतन बढ़ेगा और ये ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास करेगा और ये बल लगाएगा ऊपर की तरफ। अच्छा एक शब्द और आता है, जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उसको कहा जाता है हॉट स्पॉट, उसे क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। ये शब्द पूछा गया इसीलिए मैं इसको यहाँ पे बताया देता हूँ, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट आप जब पर्यावरण पढ़ेंगे वहाँ भी हॉट स्पॉट होता है, वो एक अलग चीज़ है, वहाँ हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो मैग्मा के अंदर जो हॉट स्पॉट बन रहा है वो क्या है, इसके विषय में टिप्पणी भी लिखने को आ सकती है आपके यूपीएससी और सिविल्स के जो अन एग्जाम हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो आप कहेंगे एस्थिनोस्फीयर हॉट स्पॉट क्या है, एस्थिनोस्फीयर में जो मैग्मा है जो तरल है उसमें जिन स्थानों पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से तापमान अधिक हो जाता है, वो अत्यधिक गर्म क्षेत्र हो जाते हैं, उनको कहा जाता है हॉट स्पॉट। और हॉट स्पॉट का परिणाम क्या होता है, इसकी वजह से मैग्मा के जो करेंट्स मैग्मा संवाहनी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं उनको कहा जाता है कन्वेक्शनल करेंट्स, और ये कन्वेक्शन करेंट्स जो हैं ऊपर की तरफ बल लगाती हैं। और ऊपर हमारा क्या है, एस्थिनोस्फीयर के ऊपर क्या है, लिथोस्फीयर, जो एक कठोर चट्टान के रूप में है। तो फिर क्या होगा, ये मुड़ेगी, ये जो चट्टान है बल की वजह से ये ऊपर की तरफ तनाव उत्पन्न होगा, इसमें ये ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ तो उठेगी ही। और जब कठोर चीज़ को मोड़ा जाएगा उसको बल लगाया जाएगा तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसमें दरार पड़ जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, यहाँ ब्रेक हो गया, इसी तरह यहाँ ब्रेक हो जाएगी, कहीं और ब्रेक हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे इसको जगह मिल जाएगी कमज़ोर एरिया की वहाँ वहाँ पे इस क्रस्ट को ये मैग्मा की जो तरंगे हैं जो बल है संवाहनी तरंगे वो उस क्रस्ट को तोड़ देंगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि जो हमारा सबसे ऊपर का कठोर चट्टान का जो परत है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के नीचे एस्थिनोस्फीयर, एस्थिनोस्फीयर में मैग्मा के चैम्बर हैं जो गर्म होकर के संवाहनी तरंगे बनाते हैं, और हॉट स्पॉट की वजह से और उस बल की वजह से जो लिथोस्फीयर है वो टूट गया है। कन्फर्म लिथोस्फीयर क्या हो गया है, चटक गया है, टूट गया है। अब हम समझ लेते हैं प्लेट क्या है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आप आसानी से प्लेट को समझ जाएंगे, और अगर आपने प्लेट समझ लिया तो बस प्लेट विवर्तन की जो है कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिद्धांत है। हम पृथ्वी को एक बार फिर बना लेते हैं। देखिए डायग्राम भूगोल की जान होते हैं, अगर डायग्राम से नहीं समझ पाए तो भूगोल रटने से नहीं आएगा, समझने से आएगा। और निश्चित है इस लेक्चर के बाद में आपको प्लेट विवर्तन की, इसके में ये दो पार्ट में लेक्चर होगा आपका, दोनों पार्ट देख लेने के बाद में
आप देखिएगा कि प्लेट विवर्तन की से रिलेटेड चाहे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों का निर्माण, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएंगे जैसे कि बहुत ईजी हो और इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए ये हमारी भूपरपट्टी है, हमने कहा ये टूट गई है तो इस तरह से ये क्रैक हो गई है, कई जगह से टूटी होगी, कोई समान दूरी पे नहीं, छोटे बड़े टुकड़े इसमें टूट गए हैं। एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। तो जो एक टुकड़ा है भूपरपट्टी का टूटा हुआ एक खंड है, जिसे एक ये पूरा खंड है, एक ये खंड हो गया, एक इधर ये खंड हो गया, तो यही जो एक टुकड़ा होता है इसको कहा जाता है प्लेट। एक टुकड़े को कहते हैं प्लेट। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार कहेंगे कि लिथोस्फीयर का वह पार्ट, वह टूटा हुआ टुकड़ा जो एस्थीनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है उसको कहा जाता है प्लेट। तैर रहा है मतलब इसके नीचे एस्थीनोस्फीयर ही तो भरा होगा, उसी के ऊपर ये टुकड़ा रखा होगा। जैसे कि आपने एक फुटबॉल देखा होगा, उस पर इस तरह से ब्लॉक होते हैं इस तरह से, तो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, इनको हम अलग अलग मान लें। इसके नीचे क्या है, हवा है, तो उस हवा के ऊपर ये टिके हुए हैं, तो इसको आप प्लेट कह लीजिए कि ये एक प्लेट है चारों तरफ से। इसी प्रकार से पृथ्वी में भी ऊपर की भूपरपट्टी क्या है, टुकड़ों में टूट गई है। ऊपर से देखने से आपको नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर क्या है, अवसादी चट्टाने हैं, ऊपर मिट्टी की परत है, चट्टाने हैं, तो दरार आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन अंदर से वो अलग अलग पार्ट में विभाजित हैं और उनको क्या कहा जाता है, प्लेट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्लेट्स क्या हैं और वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि प्लेट के प्रकार, प्लेट के प्रकार। देखो आकार के आधार पे दो प्लेट हैं, देखो आकार के आधार पे बड़ी प्लेटें, आकार के आधार पे दो प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें, छोटी प्लेटें। दो साइज के आधार पे दो भाग हैं। दूसरी चीज है प्रकार के आधार पे, दो प्रकार की हैं, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय और महासागरीय। महासागरीय क्या है, देखिए यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, जो बड़ी प्लेटें हैं उनको बड़ी प्लेट, छोटी वालों को छोटी प्लेट कहा जाता है। महाद्वीपीय क्या है और महासागरीय क्या है, जैसे कि हमारे धरातल पे ये प्लेट के टुकड़े हैं, ये प्लेट्स हैं, यहाँ से ये टूटे हुए हैं, तो किसी प्लेट के ऊपर क्या होगा, धरातल होगा यानी महाद्वीप होगा, ये क्या है, महाद्वीप। तो इस प्लेट को कहा जाएगा महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। किसी प्लेट के ऊपर क्या होगा, महासागर भरा होगा, किसी जगह पे धरातल नहीं होगा, महासागर होगा, तो इस प्लेट को क्या कहा जाएगा, महासागरीय प्लेट। किसी प्लेट पे हो सकता है कि कुछ भाग पे धरातल हो, कुछ भाग पे समुद्र हो, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा। देखिए जिस पे पूरा महासागर भरा उसे तो महासागरीय प्लेट कह दिया आपने, जिस पे पूरा महाद्वीप है उसे महाद्वीपीय प्लेट कह दिया। जिस पे दोनों चीज उपस्थित होंगे तब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल में ज्यादा क्या है, अगर महासागर ज्यादा है तो महासागरीय प्लेट हो जाएगी, और अगर महाद्वीप ज्यादा है तो उसे महाद्वीपीय प्लेट का नाम दिया जाएगा। देखिए ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि वर्तमान समय में जो परीक्षा का दृष्टिकोण है वो बदल गया है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार के नहीं आते हैं कि आपको रटने वाली चीज़ें आ जाएं, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि अब पीसीएस में भी जो मेंस का एग्ज़ाम है वो रिटन होने लगा है, सामान्य अध्ययन का भी, तो उसमें आपको लिखने को आएगा। जैसे कि सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया कि महासागरीय प्लेटें क्या होती हैं और ये इनके आगे विवरण प्रस्तुत करना है, तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो मेरी क्लासेस कुछ बड़ी ज़रूर हैं लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी निकाल सकें और मेंस एग्ज़ाम में आप आंसर राइट जरूर कर सकें। और आंसर राइटिंग करने के लिए कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो प्रकार के आधार पर महाद्वीपीय और महासागरीय दो प्रकार के हो गए, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक, इंग्लिश मीडियम में कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कौन सी हो गई,
जिन प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंट का एरिया ज़्यादा है और जिन प्लेट के ऊपर ओशियन का एरिया ज़्यादा है उनको महासागरीय या ओशनिक प्लेट कहा जाता है। अगर दोनों चीज़ें उपस्थित हैं तो किसका एरिया ज़्यादा है वो हम चेक करेंगे। ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के आते हैं, जैसे इंडियन प्लेट किस प्रकार की प्लेट है, कॉन्टिनेंटल है या ओशनिक है, तो उस पर हिंद महासागर भी स्थित है, उस पर हमारा भारत का जो लैंड है वो भी स्थित है, तो इसको किस में रखेंगे, कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपी में या महासागरी में। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि इस प्लेट के ऊपर महासागर ज़्यादा है या कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, तो हिंद महासागर का ज़्यादा भाग उस पर है इसीलिए उसको महासागरी प्लेट। तो हमारी भारत की जो प्लेट है इंडियन प्लेट वो क्या है, वो एक ओशनिक प्लेट है। तो अब ये हमने देख लिया, अब कौन कौन सी प्लेटें हैं, इस क्लास में हम ये चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी प्लेटें हैं, वो उनके नाम भी पूछे जाते हैं और बगैर उनकी लोकेशन को जाने आप प्लेट टेक्टोनिक्स को कैसे पढ़ेंगे और कैसे आने वाली जो घटनाएं हैं भूकंप, ज्वालामुखी, फायर रिंग क्या होता है, भूकंप की पेटियाँ क्या हैं, ये सब चीज़ पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा अनुमान होना चाहिए कि पृथ्वी पर कौन कौन सी प्लेटें हैं, उनके कुछ प्रमुख जो प्लेटें हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो देखिए एक वर्ल्ड का अगर मैप आपके पास एटलस है तो उसमें देखिएगा ये तीन प्रमुख रेखाएं होती हैं विश्व में, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो एक अफ्रीका है जो तीनों में स्थित है इस तरह से, मैं एक रफ डिज़ाइन यहाँ पे वर्ल्ड का बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए ज़रा। यहाँ पे हमारा उत्तरी अमेरिका है और ये हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है इस तरह से। ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा एशिया है, रसिया और इस तरह से जापान, फिलीपींस, ये सब हैं। तो एक ये वर्ल्ड का एक रफ डायग्राम है। यूरोप है यहाँ पे, ये आपका भूमध्य सागर हो गया, यूरोप है, ये यूरोप है, यहाँ पे यूरोप मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे एशिया है, ये क्या है ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। एक रफ आइडिया आपका वर्ल्ड का ये मैप है। अब इसमें महासागर कौन कौन से हैं, ये अटलांटिक है, कौन सा, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ये पैसिफिक या प्रशांत, पैसिफिक कह लीजिए प्रशांत, और ये क्या है हिंद, हिंद महासागर है। और यहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक। तो इस प्रकार से अब हम इसमें देखें, जो हमने बताया कि ये सब लिथोस्फीयर पे स्थित है, समुद्र और महाद्वीप ये सब एक पपड़ी पे स्थित हैं, इसको क्या कहा जाता है लिथोस्फीयर, भूपर पट्टी। तो इससे के ऊपर महासागर भी हैं, महाद्वीप हैं, नीचे से एस्थीनोस्फीयर बल लगाया और उसकी वजह से पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है वो चटक गया, टूट गया। तो कहाँ कहाँ से टूटा है और आगे नई दरारें भी पड़ रही हैं, वो लगातार टूटता जा रहा है, तो कहाँ कहाँ से मुख्य रूप से टूटा है वो चीज़ हम जानेंगे। मुख्य रूप से एक जो दरार है वो जो अटलांटिक महासागर है उसके मध्य से है, अटलांटिक महासागर के मध्य से है, फिर एक दरार यहाँ से है। तो ये जो प्लेट है, अगर हम बड़ी प्लेटों की बात करें तो सबसे पहले जो प्लेटें हैं वो हम कुछ बड़ी प्लेटों की ही बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से टूटा हुआ है, ब्लू पेन से मैं बना रहा हूँ, ये टूटा हुआ है इस तरह से, इस तरह से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा है ऐसे, ये ब्लू वाली जो लाइनें मैंने बनाई ब्लू और रेड से, इस तरह से टूटा हुआ है ये। तो अब देखें एक भाग ये हमारा हो जाएगा, अभी इसको हम छोटे भाग में देखेंगे, तब उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की प्लेटें अलग हो गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे
अभी मेन मेन देख लेते हैं कौन कौन सी प्लेटें हमारी मेन बनती हैं। तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ जरा कुछ बड़ी प्लेटों के। तो एक बड़ी प्लेट हमारी अमेरिकन प्लेट है, उसको क्या कहेंगे, अमेरिकन। एक अमेरिकन प्लेट हो गई जिसपे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका टिका हुआ है। ये कहाँ से टूटी है, ये अटलांटिक महासागर से टूटा हुआ है जिससे ये भाग अलग है। एक अफ्रीकन प्लेट है, एक को क्या नाम दे सकते हैं, अफ्रीका प्लेट, ये हो गई अफ्रीका। और ये है यूरोप और एशिया, ये यूरोप है और ये इधर एशिया है, तो इसको नाम दिया गया है यूरेशिया। यूरोप और एशिया का सम्मिलित प्लेट है, इसको कहा जाता है यूरेशिया। एक प्लेट है जिसपे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया स्थित है, तो इसको कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन, इसको क्या नाम देते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन। देखिए ये सब नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और जब आंसर राइटिंग करेंगे तब भी आपको इनके नाम देने होंगे क्योंकि ये प्रमुख प्लेटें हैं। आपको सभी के नाम नहीं रटने हैं लेकिन प्रमुख प्लेटों के आपको नाम जरूर याद होने चाहिए तभी आप आगे आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो देखिए एक दो तीन चार हो गई और इसके बाद है प्रशांत, ये प्रशांत है और यहाँ भी प्रशांत है, इधर और इधर ये प्रशांत है। ये फोल्ड होकर के जब गोल बनेगा तो ये प्रशांत महासागर एक जगह आ जाएगा ना, तो ये अगली प्लेट है प्रशांत। एक दो तीन चार पाँच और छठा है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा मैं जल्दी लिखता हूँ ताकि टाइम कम लगे। आप जो मैं बोल रहा हूँ वो शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप इमला मत पढ़ने की कोशिश करिए। अमेरिकन, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत और अंटार्कटिका, ये वाली प्लेट। ये छह बड़े टुकड़े हैं, छह बड़ी प्लेटें हैं जहाँ से पृथ्वी के स्थलखंड टूटे हुए हैं। कौन सा, अमेरिकन प्लेट। जैसे कि पूछ लिया जाए अमेरिकन प्लेट में कौन कौन सी मुख्य प्लेटें हैं, तो उत्तरी अमेरिका यहाँ बीच से भी टूटा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। प्रशांत प्लेट एक प्लेट है, ठीक है, अफ्रीका की अलग प्लेट है, यूरेशिया की अलग प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, इसमें भी बीच में ब्रेक है, वो मैं अभी छोटी प्लेट जब बताऊंगा तब आपको बताता हूँ। तो छह बड़ी बड़ी प्लेटें हो गई। अब छोटी में आपको कौन कौन सी मुख्य रूप से याद रखनी है वो देखिए। छोटी में अगर इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में मान लें तो एक तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगी, एक कौन सी हो जाएगी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटी प्लेटों के कुछ नाम, उत्तरी अमेरिका। दूसरी कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे एक है कोकोस, कोकोस एक कोकोस प्लेट है और एक है नाजका, यहीं पे एक बड़ी प्लेट है थोड़ा कोकोस से, वो नाजका प्लेट है। इंडिया की प्लेट अलग हो गई, इंडियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ब्रेक है तो इंडियन प्लेट अलग हो गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गई। जब छोटी प्लेटों का नाम देंगे तो इसके टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, उन सबके नाम आप देंगे। प्रशांत वाली प्लेट भी बीच से टूटी हुई है तो यहाँ पे पूर्वी प्रशांत और पश्चिमी प्रशांत, इधर है पश्चिमी प्रशांत, आपको इधर है पूर्व दिशा, लेकिन जब प्रशांत प्लेट की बात करेंगे तो इधर वाली ये पश्चिमी प्रशांत पेटी वो है प्लेट और इधर वाली पूर्वी। तो प्रशांत में दो टुकड़े हो गए। यहाँ पे फिलीपींस है ना, यहाँ पे मैप आपने देखा होगा यहाँ पे फिलीपींस है, तो यहाँ पे एक प्लेट है फिलीपींस प्लेट। ये जो अरब का है, अरब वाली प्लेट अलग है, ईरान की प्लेट अलग है, तो अरब की प्लेट है, ईरान की प्लेट है, ये दो प्लेटें अलग अलग आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर कैरिबियन सागर, कैरिबियन की प्लेट अलग है, तो यहाँ पे कैरिबियन, कोकोस, नाजका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अरब, ईरान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस प्रकार से कई भागों में छोटे मोटे बहुत सारे टुकड़ों में धरातल हमारा टूट गया है और इनको कहा जाता है प्लेट्स। तो आशा है प्लेट्स आप समझ गए होंगे क्या हैं, उनके कुछ नाम भी आप समझ गए होंगे, उनके प्रकार समझ गए होंगे। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे वो है प्लेटों की गति कितने प्रकार की होती हैं और उन गतियों की वजह से कौन कौन से परिणाम निकल के आते हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव भी और कॉन्सेप्ट के भी।
तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा ये क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को आप कायदे से एक या दो बार पूरा स्टडी कर लीजिए कि प्लेट कैसे कहाँ पे कौन सी स्थित हैं। देखिए टॉपिक बहुत कठिन नहीं, आप इसको बहुत ज़्यादा जो चित्र बन गया है बहुत घिचपिच इस पर ना जाइएगा। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि कहाँ पे कौन सी प्लेट स्थिर है। आप एक रफ डायग्राम, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो एक रफ डायग्राम भी बनाइए और उसमें फटाफट प्लेट्स को बना करके उनके नाम लिख करके देखिए कि क्या आपको प्लेट की लोकेशन समझ में आ रही है। तभी जो मैं आगे आपका नेक्स्ट क्लास होगा, जो बहुत बेहतरीन क्लास है, उसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।